क्या आप किसी को सिर्फ और सिर्फ देख करके ही इम्प्रेस करना चाहते हो? क्या आप बिना बात किए भी किसी को पटाने की सही तरीका जानना चाहते हो? तो मेरे भाइयों, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में जो आपका भाई पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा भाई, उससे आप उसे मिनटों में इम्प्रेस कर लोगे, वो भी बिना बात किए। आप उसे सिर्फ देख करके ही पटा लोगे भाई, कम से कम मेहनत करके भी। तो वीडियो में प्यार अपना एंड तक बनाए रखिएगा, और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर प्रेस जरूर करना। देखिए, जब ये कमेंट बहुत ही ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम पर आने लग गया था ना, तो मुझे लगा कि शायद आप प्रैक्टिकली नहीं बोल रहे हो, ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मगर जब मैं समझा कि जब आप सभी लोगों ने कहा कि सर मुझे उसे सिर्फ देख करके इम्प्रेस करना है, क्योंकि सर मैं उससे बात करने से डरता हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि सर मैं उसे अपने दिल की बात कहने में घबराता हूँ, क्योंकि सर मैं कन्फ्यूज हूँ कि जितना पसंद मैं उसे करता हूँ क्या वो भी मुझे उतना पसंद करती है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा मुझे कि सर मैं तो श्योर हूँ, मगर सर मुझे उससे बात कैसे करनी चाहिए, और सर कम से कम बात करके उसे कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। जब ऐसे मिले जुले सवाल बढ़ते ही गए तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि भाई आप टॉपिक किस तरीके के मंगवाना चाहते हो यार, किस टॉपिक पर मिल रहा हूँ। वेल, मगर जब मैं समझ गया तो उसके बाद मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन करके क्यों ना समझाया जाए। तो आज की वीडियो में फ्रेंड पूरी बातें एक्सप्लेन करके जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर वन पॉइंट से। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। अगर मुझे कोई लड़की पसंद है और मैं उसे पसंद करता हूँ, मगर मैं उससे बात करने से डरता हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि वो मुझसे अट्रैक्ट हो जाए। जिसमें नंबर वन चीज़ आता है आपकी पर्सनैलिटी एंड आपका लुक। जी हाँ, अभी आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है, आप तो हर बार यही बात बताते हो। भाई जब मैं हर बार यही बात बताता हूँ तो आप इस चीज़ पे ध्यान क्यों देते? भाई आप उस लड़की को अच्छी तरीके से जानते नहीं, वो आपको अच्छी तरीके से जानते नहीं है, तो वो आपको नोटिस क्यों करेगी, क्यों आपको देखना चाहेगी? जब आपके लुक ही अच्छा ना हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कुछ लोगों ने लुक अच्छा करने के लिए बहुत कुछ खर्चा किया अपने ऊपर, बहुत मेहनत भी किया, मगर यहाँ पर आप दो चीज़ें हैं जो हमेशा इग्नोर कर देते हो। नंबर वन आपकी बियर्ड, और नंबर टू आपका हेयर। जी हाँ, जो आपकी दाढ़ी होती है ना और जो आपका बाल होता है, ये चीज़ प्रॉपरली अगर सही शेप में है तो फ्रेंड आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगते हो, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगते हो। अभी कुछ साल पहले मैंने एक हैंडसम टॉपिक के ऊपर वीडियो डाला था, मुझे नहीं पता था कि भाई लोग इतना प्यार करेंगे। भाई बिलीव नहीं करोगे, 1 मिलियन क्रॉस हो चुकी है सिर्फ स्मार्टनेस को लेकर के। तो मुझे समझ में आया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रॉपरली लुक बनाना जानते ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, बस मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि बिना बात के अगर आपको उसे इम्प्रेस करना है तो अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ अपनी बियर्ड एंड अपनी हेयर का भी ध्यान रखिए। जब आपका हेयर कटिंग आपकी फेस कटिंग से मैच होता है, एंड जब आपकी बियर्ड जो होती है ना सेट रहती है, ऐसा नहीं कि बियर्ड उग रही है तो किसी की कुछ हल्की सी आ रही है, किसी की किस्तों पर आ रही है और उसी किस्तों को भरे जा रहे हो आप, नहीं। बहुत से लोग तो सोचते कि सर क्लीन शेव करने के बाद तो इंसान मीठा लगता है, तो नहीं भाई ऐसा नहीं। सबकी पर्सनैलिटी सबके अकॉर्डिंग होती है, अलग अलग तरीके की होती है। कुछ लोग बिना बियर्ड के स्मार्ट लगते हैं तो कुछ लोग बियर्ड में स्मार्ट लगते हैं, ठीक है ना। पांचों उंगली बराबर नहीं होती। तो भाई बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपकी हेयर है तो उसे अपने फेस कट के हिसाब से रखो, अगर आपने बियर्ड रखते हो तो उसे भी फेस कट के हिसाब से रखोगे तो भाई जो लुक निकल के आएगा ना वो 100% है कि आपसे बिना बात किए इम्प्रेस हो जाएगी। उसको लगेगा कि लड़का कितना स्मार्ट है ना, और पहला ही इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, ये आप तो बात जानते ही होंगे ना। अगर अच्छा इम्प्रेशन मारना हो तो पहले इम्प्रेशन में मारना चाहिए। वेल, तो ये था आपका पहला पॉइंट जो कि मुझे एक्सप्लेन करके इसलिए समझाना था कहीं आपका मन में डाउट ना रह जाए, इसलिए। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब यहाँ पर आपने लुक के ऊपर ध्यान दिया, यहाँ पर आपने अपनी बियर्ड को सही कर लिया, अपने ड्रेसिंग सेंस को समझा, और इतना ही हर बार नए नए तरीके के ड्रेसेस पहनना आपने स्टार्ट कर दिया, तो मतलब कि आपका लुक पर्सनैलिटी इम्प्रूव होने लग गया है। मगर मेन प्रॉब्लम होती है कि आप कभी किसी लड़की के सामने बात नहीं कर पाते हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हो, और बहुत से लोग अगर बात करते भी हैं तो कुछ इस तरीके से बात करते हैं कि लड़की के ऊपर ऐसे नहीं जाता है कि लड़का शाय है यार, ये लड़का ज़्यादा अच्छे तरीके से बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा घबराता है, और यहीं पर स्टोरी फ्रेंड खराब होती है। अगर मुझे अपनी बात किसी को एक्सप्लेन करना हो तो मैं अगर जब तक कॉन्फिडेंट फील ना करूँ,
मैं कॉन्फिडेंटली उसे बात ना बोलूं तो वो ये बात समझना नहीं चाहेगा, वो बात एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे लगेगा कि लव एडवाइस भाई झूठ बोल रहा है, तभी तो नजरें नहीं मिला रहा है, तभी तो ये इधर उधर देख कर बात कर रहा है और एकदम घबरा घबरा कर मुझसे बात कर रहा है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बात करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। जब आप किसी लड़की से, लड़के से, किसी से भी बात करते हो तो बात करते समय कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। और कॉन्फिडेंट कैसे आता है, जब आप सामने वाले से नज़रें मिलाते हो, जब नज़रें मिला करके बात करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता है कि मुझे क्या बात करना है और कितनी बात करनी है और कितना इंटरेस्टेड है ये मेरी बात सुनने में। जी हाँ, तो आई कॉन्टैक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग ना जो हाथ बैंड करके बात करते हैं, कुछ लोग इधर से उधर देख कर बात करते, तो ऐसे काम नहीं चलता है। बात करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आप ये भी चीज़ का ध्यान रखिए। इससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कोई भी पर्सन को, ठीक है। अट्रैक्टिव इसलिए लगता है कि अपनी बात करते करते अपनी हैंड को हिला रहा हो, अपनी बात करते करते अपने हाथों के मूवमेंट दिखा रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो, तो सामने वाला इंसान भी इंटरेस्ट लेता है कि बंदा कितना इंटरेस्टिंग है यार, अच्छी तरीके से बात करता है। और ये बंदा कुछ उल्टी सीधी चीज़ें देखता नहीं है, जज नहीं करता है, या आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात करना चाहता है। वेल, ऐसे लड़कों से लड़कियां बहुत जल्दी इंप्रेस होती है। जब आप किसी अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हो ना, अपने ग्रुप में ऐसी बात करके देखो, देखो उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि लड़का बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आपको मेरी बात सुनने में थोड़ी सी फेक लग रही हो ना, तो भाई मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत करो लाइक, मत करो चैनल सब्सक्राइब। बस ये दो टिप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, देखना फ्रेंड आप वापस आओगे मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब भी करोगे और लाइक भी करोगे। कॉन्फिडेंटली आपका भाई बोल रहा है भाई, पर्सनली एक्सपीरियंस से मेरा खुद का, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। वेल, बात करते हैं तीसरा पॉइंट, सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, हमेशा एक्टिव रहना एंड कॉन्फिडेंट फील करना। देखिए, कॉन्फिडेंट की बात तो मैंने आपको समझा दी, एक्टिव से मेरा क्या मतलब है। देखिए, जब आप एक्टिव रहते हो ना तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं कि ये इंसान झुक के नहीं चलता है, ये इंसान एकदम सीना चौड़ा करके चलता है, इसके चेहरे पर कभी 12 नहीं बजे होते हैं। और कुछ लोग वो जो मैंने बैड हैबिट देखी है, अगर कोई लड़की उन्हें पसंद आ जाए ना तो उन्हें वो घूरने लग जाते हैं, जहाँ पर आपका इंप्रेशन खराब पड़ जाता है। आपको कभी किसी लड़की को घूरना नहीं चाहिए। अगर आप उसे देख रहे हो तो स्माइल करके देखो यार, चेहरे पर अच्छी वाली स्माइल रखो, ताकि अगर वो आपको देखती है तो यही सोच सके कि लड़का मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहा है, तभी तो स्माइल कर रहा है, वरना तो ये मुझे घूर रहा होता, मेरे पीछे पड़ जाता, मेरे को फॉलो करता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ये जब भी मुझे देखता है तो आई टू आई कॉन्टैक्ट मिला करके देखता है और चेहरे पर स्माइल होती है इसकी, मतलब अच्छी नीयत से देख रहा है। अब यहाँ पर लड़की आप में इंटरेस्टेड होगी तो वो भी स्माइल पास कर देगी, वो भी बता देगी कि जी हाँ मैं भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। मगर आपको ये चीज़ कभी समझ में नहीं आती है, हमेशा झुक कर चलना, कॉन्फिडेंट ना फील करना, चेहरे पर 12 बजे रहना, दुखी तरीके से बात करना, हमेशा अपनी प्रॉब्लम बताते रहना किसी को, हमेशा ये दिखाना कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, मतलब गरीब मतलब वो गरीब नहीं, मेरे पास खुशियाँ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहता हूँ, मेरा तो हार्ट ब्रेक हो गया यार, मेरे को तो कुछ अच्छा नहीं लगता। ये सब चीज़ बता करके आप अपने आप को कमज़ोर साबित करते हो अपने सामने वाले पर्सन के सामने, जैसे कहा जाए अपने फ्रेंड हो, फ्रेंड सर्कल हो, उनके सामने। एक बात समझो, अपनी मजबूरी बता करके, अपनी कमजोरी बता करके आप किसी इंसान का मदद नहीं ले रहे हो, अपने इंसान को आप बता रहे हो कि मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और इंसान आपके दुख दर्द को सुनकर सॉल्व नहीं करेगा, मगर हाँ मज़े ज़रूर लेगा। आपको ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक करे, बिना तो जाना मत भाई। आप बहुत से लोग कहते हैं मुझे कि सर आपके इंस्टाग्राम पर आने में बहुत दिक्कत होता है। भाई मैं यूज़र नेम भी आपको बता देता हूँ कि कैलाश राय 2.0, फिर भी आप फॉलो नहीं कर पाते। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, फिर भी आप फॉलो नहीं कर पाते। अबाउट सेक्शन में भी है भाई लिंक, फिर भी आप फॉलो नहीं कर पाते। भैया ऐसे काम कैसे चलेगा, फॉलो कर लीजिएगा, दोनों की लिंक है भाई, फेसबुक की भी है और इंस्टाग्राम की भी, दोनों किसी में भी आ सकते हो आप, ठीक है। और हो सके तो वीडियो पर कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और कौन सा फोन अच्छा लगा मुझे बताइएगा, मगर इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना जाना मत।